अगर हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो मिडिल मैंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको अगर बिल्कुल ख़त्म नहीं करना तो एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को कोई पॉलिसीज बनानी चाहिए, लेकिन अभी तक हम वो भी नहीं देख रहे कि मिडिल मैंस का कोई रोल उस तरह से कम नहीं किया जा सका जिसके जो कि इन्फ्लेशन को कम कर सके। देखिए बिल्कुल, ये रोल जो है, ये रोल अब मैं तो ये समझता हूँ एज ए रिपोर्टर कि ये रोल अब खत्म भी नहीं हो सकता। जो हमारे यहाँ मिडल मैन है वो अब उन्होंने किसानों को अरबों खरबों रुपयों के कर्जे दे दिए हैं, यानी कि एक मिडल मैन जो होता है वो ही बेसिकली अब किसान को चला रहा होता है, वो ही उसको पेस्टिसाइड खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, हल चलाने के लिए पैसे दे रहा होता है, और किसान अब उसमें इतना बुरा फंस चुका है कि इस सिस्टम से निकलने के लिए भी हुकूमत को बहुत ज्यादा सख्त फैसले करने पड़े। ठीक है, अच्छा तारिक, ये हम इसे कह सकते हैं कि जो आईएमएफ के साथ बातचीत चल रही है ये उसका एक पार्ट है? देखिए आईएमएफ कभी भी आपको नहीं कहता कि आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, आप शरह सूद एक हद तक कह सकते हैं कि आप इसको कंट्रोल करें, आप अपनी इकोनॉमी को जो है वो बेहतर करें, उसके लिए टूल्स के इस्तेमाल की इजाजत वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपने अखराजात कैसे कम करने, आपने टैक्सेस किन पर लगाने। बल्कि गुज़िश्ता हफ्तों में एक इंटरव्यू भी काफी ज्यादा जो है वो वायरल हुआ था आईएमएफ के चीफ का, कि वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि अशरफ। ठीक है, ठीक है तारिक, और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे।